नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत। आप सभी का आपकी चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो पर मैं आपको एयरटेल डीटीएच जो कि 108 डिग्री ईस्ट पर चलता है उसका सिग्नल अगर आप मोबाइल फ़ोन से सेट करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको जानकारी दूंगा कि आप किस प्रकार से अपने मोबाइल फ़ोन से एयरटेल डीटीएच 108 डिग्री ईस्ट पर चलने वाली सेटेलाइट को सेट कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने टीवी को चालू करके रखा हुआ है और यह एयरटेल डीटीएच का एचडी सेटअप बॉक्स है और अभी आप देख सकते हैं कि इस पर सिग्नल नहीं आ रहा है। अब आपको अपने मोबाइल फ़ोन से एयरटेल डीटीएच का सिग्नल किस प्रकार से सेट करना है, तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको इसका जो LNB है तो LNB का पोजीशन आपको इस प्रकार से कर देना है, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल, तभी आपको एयरटेल डीटीएच का सिग्नल मिलेगा। और अब आपको अपने मोबाइल फ़ोन से क्या करना होगा, तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर जाना होगा प्ले स्टोर पर और आपको एक सैटेलाइट फाइंडर नाम से एक ऐप मिलेगा, तो दोस्तों आपको इसे ओपन करना होगा। आप इसका इंटरफेस देख सकते हैं, इसे चलाना बहुत ही आसान है। अब दोस्तों मैं इसे ओपन करूंगा और जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो कुछ परमिशन मांगेगा, तो दोस्तों आपको परमिशन देने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको जाना है इसे सैटेलाइट फाइंडर वाले ऑप्शन पर और अब दोस्तों जैसे कि हमें एयरटेल डीटीएच का जो सैटेलाइट है तो सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा, तो आपको यहाँ लेफ़्ट साइड दोस्तों यहाँ आपको सेलेक्ट करना है इस प्रकार से और आपको बहुत सारे सैटेलाइट के नेम दिखाई देंगे। तो अब आपको क्या करना है, तो जो एयरटेल डीटीएच है वह SES 7 108 डिग्री ईस्ट पर चलता है, तो दोस्तों हम जाएंगे SES 7 की लिस्ट पर। तो आप देख सकते हैं SES 7 108 डिग्री, इस पर दोस्तों हमें एयरटेल डीटीएच का सिग्नल रिसीव होगा। तो आपको यहाँ दो चीज़ विशेष ध्यान देना है, एक आपका एलिवेशन जो कि 49 डिग्री है, मतलब कि 50 डिग्री के लगभग, और आपका दोस्तों एजमूथ आपका 128 डिग्री है। तो दोस्तों जो एजमूथ है इसका मतलब कि आपको अपने डिस्टेंस को इस डिग्री पर घुमाना है, मतलब कि आपको 128 डिग्री पर आपको घुमा कर डिस्टेंस को सेट करना है। और इसका जो एलिवेशन है तो आपको अपने डिस्क को 49 डिग्री के लगभग, मतलब कि 50 डिग्री के लगभग झुका कर रखना है। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ आपका जो डिग्री है तो लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 50, 60, 70, तो दोस्तों आपको इसे लगभग 50 डिग्री के लगभग में आपको झुका कर रखना है। तो दोस्तों मैं इसे 50 डिग्री के लगभग में झुका लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से यह करीब 50 डिग्री के लगभग झुक चुका है। और अब दोस्तों हम क्या करेंगे, तो अब हमें यह जो SES 7 वाला सैटेलाइट नेम है इसे दोस्तों हमें सेलेक्ट करना है और इस प्रकार से आपका कुछ इंटरफेस आपको दिखाई देगा। और अब आपको क्या करना है, तो अब आपको अपने मोबाइल फ़ोन को यह जो आपका बीच वाला डंडी है जिस पर LNB लगा हुआ है इसके बीचों बीच आपको इसे इस प्रकार से रखना है इस प्रकार से, और दोस्तों आपको अपने डिस्क को घुमाना है जो इसका अजीमथ है, मतलब कि जो इसका अजीमथ है 128 डिग्री, तो दोस्तों आपको उतना ही घुमाना है। तो अब दोस्तों मैं इसे घुमाऊंगा और आप देख सकते हैं कि बीच में फ़िलहाल अभी 140 लिखा हुआ है। अब दोस्तों मैं इसे घुमाऊंगा तो आप देख सकते हैं 137, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि लगभग हमारा 128 के लगभग यह सेट हो चुका है। और अब दोस्तों हम चलते हैं टीवी स्क्रीन की तरफ, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो एयरटेल डीटीएच का सिग्नल है तो दोस्तों आ चुका है। आप इस प्रकार से अपने मोबाइल फ़ोन से बहुत ही आसान तरीके से किसी भी डीटीएच का सिग्नल सेट कर सकते हैं। दोस्तों आपको अपने मोबाइल फ़ोन को यह दोस्तों जो डंडी है इसकी आपको एकदम बीचों बीच इस प्रकार से रखना है और आप देख सकते हैं कि लगभग आपका 127-128 डिग्री के लगभग दोस्तों हमारा यह बता रहा है और हमारा जो डीटीएच का सिग्नल है, मतलब कि एयरटेल डीटीएच का सिग्नल है, तो दोस्तों रिसीव हो चुका है। तो दोस्तों आपको केवल यह अजीमथ याद रखना है, मतलब कि आपको 128 डिग्री पर इसे घुमाना है डिस्क को और इसका जो एलिवेशन है आपको 50 डिग्री के लगभग आपको डिस्क को झुका देना है और आपको इसे घुमाना है। और जैसे ही आप घुमाएँगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ एक एरो बना हुआ है और सैटेलाइट का सिंबल बना हुआ है, और जैसे दोस्तों यह आपका 128 डिग्री के लगभग सेट होगा तो दोस्तों यह आपस में
मिल जाएगा और आपका सिग्नल जो है रिसीव हो जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों नमस्कार।